तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक डिस्क्लेमर है कि कृपया करके इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखना। कल ही ना युवा राजकुमार सर की ना एक फिल्म का मैंने टीजर देखा, होमले फिल्म्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे इसे रिलीज करा गया हुआ है, जिस फिल्म का नाम युवा है। टीजर में बहुत ऐसे सीन्स ना KGF से ना लगभग कॉपी करके डाल दिए गए। चीज मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये कड़ा फिल्म इंडस्ट्री को क्या हो रहा है। एक तरफ कुछ ऐसे लोग हैं जो कंतारा जैसे फिल्में बना रहे हैं, बट वहीं कुछ ऐसे लोग हैं जो KGF से मिलते जुलते फिल्में बना रहे हैं। सो ये युवा का टीजर देखने के बाद मेरे को ज़रा भी मज़ा नहीं आया, टू बी फ्रैंक मैन, ज़रा भी मज़ा नहीं आया। मज़ा क्यों नहीं आया मैं तुमको आगे बताऊँगा। मज़ा इसलिए नहीं आया क्योंकि एक तो KGF का वाइब दे रहा था, और दूसरा मज़ा इसलिए नहीं आया ना क्योंकि मैं युवा राजकुमार सर की YRK फिल्म का वेट कर रहा था। ये फिल्म का 2 साल पहले एक अनाउंसमेंट वीडियो को रिलीज करा गया हुआ था, एक फाइट सिक्वेंस है प्रॉपर, वो जाके एक बार तुम्हें वीडियो को देखना, कसम से बोल रहा हूँ मैन। ये जो युवा का क्या टीजर है इसका बाप लेवल का वो टीजर है। और जब भी मैं ये युवा का टीजर देखा मैं बोला क्या टट्टी है वे, क्या टट्टी है, सारे चीजें KGF से उठा के इन लोगों ने डाल दिया हुआ है। सो एक चीज़ और मैं तुमको बता दूँ, जो लोगों को नहीं पता है युवा राजकुमार सर के बारे में, युवा राजकुमार सर ना राजकुमार सर के फैमिली से बिलोंग करते हैं। युवा राजकुमार सर के ग्रैंडफादर थे राजकुमार सर, और राजकुमार सर ने कर्नाटका फिल्म इंडस्ट्रीज को, मीन्स कनाडा फिल्म इंडस्ट्रीज को, मीन्स सैंडलवुड को ना सींचा है, ग्रो करा है अपने हाथों से। सो इनकी फैमिली का जो लेगेसी है ना काफ़ी बड़ी है मैम। और सोचिए इनके फादर प्रोड्यूसर है, इनके अंकल शिवराज कुमार सर है, इसके साथ साथ पुनीत राजकुमार सर इनके अंकल है, तो ये इतनी बड़ी फैमिली से बिलोंग कर रहे तो, बट फिर भी ये KGF वाली वाइब जैसे फिल्में कर रहे हैं, किस एंगल से जस्टिफाई नहीं होता है। उससे अच्छा YRK पे काम करते, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं बार बार YRK का नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि वो चीज़ें डिजॉल्व करती हैं मैन। ये युवा से ना मच 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 बेटर है भाई, उसका छोटा सा एक वीडियो, उसमें फाइट सीक्वेंस देखना भाई युवा राजकुमार सर का, भाई तुम बोलोगे भाई बंदे ने क्या काम करा। वो वीडियो को देखने के बाद ना तुम किसी एंगल से ये नहीं बोलोगे कि भाई ये इंसान का ये पहला फिल्म है, फाड़ लेवल की चीजें थी। बट पता नहीं यार वो फिल्म अभी तक आई क्यों नहीं, इतने बड़े फैमिली से है भाई ये युवा राजकुमार सर है, कुछ ना कुछ करके वो फिल्म को रिलीज करानी चाहिए, इतना लेट क्यों हो रहा है यार। 2 साल पहले वो वीडियो को उन लोगों ने रिलीज करा हुआ था, बट अभी तक उसका कोई आता पता नहीं है। और ये युवा जैसी ये फिल्में कर रहे हैं युवा राजकुमार सर, सर बहुत बेकार लग रहा है, टू बी फ्रैंक बहुत बेकार लग रहा है। अगर ये फिल्म ना कोई दूसरा एक्टर करता या फिर किसी दूसरे इंडस्ट्री से ना ये फिल्म आती ना तो थोड़ा देर के लिए ना भाई वो सब चीज़ें ना डाइजेस्ट हो सकती थी। बट सोचो कर्नाटका इंडस्ट्री से, सैंडलवुड से इस टाइप से फिल्में आ रही है, वो भी राजकुमार सर के फैमिली से इस टाइप से फिल्में आ रही है, भाई मेरे को ये किसी एंगल से जस्टिफाई नहीं लगती है भाई। हो गया यार, KGF आया, रिकॉर्ड बनाया, चला गया, अब कुछ नया करो यार। जैसे ऋषभ शेट्टी सर ने कंतारा लेके आया, चलो अब कंतारा जैसे फिल्में नहीं लेके आ सकते, कोई दूसरे कॉन्सेप्ट पे फिल्में लेके आ जाओ। या फिर अगर आप ये डॉन वाला गुंडागिरी, ये अंडरवर्ल्ड, ये सब चीजों को लेके आप दिखाना चाहते हो तो अलग पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाओ ना, या फिर अलग कैमरा एंगल से दिखाओ। वहीं डार्क वाला इसमें शॉट रखा गया है, जो आजकल हर सैंडलवुड के फिल्मों में हम सबको देखने को मिल रहा है। मेरे को मजा नहीं आया भाई ये युवा का टीजर देखने का, यही उम्मीद कर रहा था कि YRK का कुछ आता तो मजा आ जाता। मैं तो इस फिल्म का एकदम दिलो जान से सपोर्ट कर रहा हूँ। बाकी तुम लोग बताओ, तुम लोग इस पर क्या कहना है, तुम्हारे वैसे क्या लगता है कि युवा का टीजर ज़्यादा बेहतर है या फिर YRK का जो अनाउंसमेंट वीडियो था वो ज़्यादा बेहतर है? ओपिनियन तुमको कमेंट करके ज़रूर बताना, और दिल पे हाथ रख के कमेंट करना, ये नहीं कि हाँ हमने फिल्म आया है तो बस युवा का टीजर अच्छा है। दोनों टीजर के एक बार जाके तुम लोग देखो, फिर तुम डिसाइड करना कि मैं सही बोल रहा था या गलत बोल रहा था। चलो फिर इस वीडियो में इतना ही, और हाँ ये वीडियो तुम सबको ज़रा भी पसंद आया प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो चैनल को, अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हो तो कर लो मेरे भाई। बहुत ऐसे लोग हैं ना भाई, सीरियसली मैं बोल रहा हूँ, सिर्फ वीडियो देखते हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। भाई चैनल को तुम नहीं सब्सक्राइब करोगे तो क्या तुम्हारे बंद नहीं करेगी, सब्सक्राइब मारो भाई। बाकी चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मचाते रहो।